हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान हुआ। लोकतंत्र के महापर्व प्रदेश की 90 सीटों पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए 68.47% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया, जो पिछली बार हुए मतदान से काफी कम है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश की 90 सीटों पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए 67.77% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगले 5 साल के लिए अपनी नई सरकार चुनने का हुआ ये मतदान पिछले 19 सालों में विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मतदान का सबसे कम मतदान है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 53.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। हालांकि शाम 5 बजे के बाद मतदान ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और शाम 6 बजे तक मतदान का आंकड़ा 61.62% पहुँच गया था। प्रदेश में कुल 67.77% मतदान हुआ है। साल 2000 से अब तक हुए मतदान की बात करें तो चुनाव दर चुनाव मतदान की प्रतिशत में इजाफा होता गया। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 69% मतदान हुआ था। 2005 में वोट प्रतिशत 2.9% इजाफे के साथ 71.9% मतदान हुआ, जबकि 2009 में 0.4% की मामूली वृद्धि के साथ वोट प्रतिशत 72.3% तक पहुंच गया था। हर चुनाव में मामूली ही सही वृद्धि का ट्रेंड रहा, लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूट गया। जिलेवार प्रदेश में मतदान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान कैथल जिले में हुआ था, तो वहीं सबसे कम मतदान गुरुग्राम में हुआ। वहीं विधानसभा बार देखें तो सबसे ज्यादा मतदान एलनाबाद विधानसभा में हुआ और सबसे कम मतदान बादशाहपुर, पानीपत और शहरी विधानसभा में हुआ। दोनों विधानसभाओं में महज 45% मतदान हुआ। एक और सबसे बड़ी बात, इस बार के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा में 2014 के मुकाबले कम ही मतदान हुआ। एक्सपोर्ट की माने तो त्योहार का माहौल होने के कारण मतदान में गिरावट आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, तमाम जागरूकता कार्यक्रम होने के बाद भी मतदान प्रतिशत में कमी क्यों आई? इलेक्शन डेस्क, पोर्टल न्यूज।